बड़ी वाली की। अस्सलाम वालेकुम भाई, की हाल जी? ठीक जी भाई, तू सुनाओ? बस शुक्र अल्लाह दा, तू ही सुनाओ? बस शुक्र अल्लाह दा। तू किवें आ? बस यार काम से तेना लेक, मैं कह यार भरा नु याद कर लिए। भरा किस वास्ते होंदे आ? हां जी बिल्कुल सही। हां जी है ना जी। ते यार मैनू ना असले च पैसे चाहिदे थे, मैं कारोबार शुरू करना है, ते मेहरबानी होगी भाई तुहाडी अगर कोई चार पैसे दे दोगे तो मैं चलो कारोबार अपना शुरू कर लांगा। मैं छोटी दुकान पानी, मैं कहना चलो बोतल सोतल या चाह पानी जेड़ा भी है कोई मामला वो कर लेंदा, सिगरेट पानी रख लेंदा, तो कारोबार चलो छोटा मोटा कर लेंदा। ठीक हो गया भाई जान। फरजा भाई जान तुम एक शर्त ते देंगे, तुसी अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। नहीं नहीं वो मैं छोड़ दती है, ऐ जुए वगैरह मैं छोड़ते है, दूसरे फराड करने छोड़ते है। पक्की गल है ना भाई? मैं कह रहा कारोबार शुरू होंदा ना, पैसे आंदे आ मैं तुहानू पैसे दे दांगा। ठीक है भाई, मेहरबानी। ओके मेहरबानी भाई। बोतलां सेल करनियां भाई, मैं आपको ना इसका 2000 रुपये देता हूँ, ठीक है? इसका आपको 2000 रुपये भी देता हूँ, ये भी आप मुझे सेल कर दें, ठीक है? आपको आगे सफर ना पड़े इसलिए मैं आज आपसे ले लेता हूँ, ठीक है? ये ले भाई 2000 रुपये, ये क्रेडिट भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है? बड़ी मेहरबानी भाई। वो तो बेवकूफ था, इसके अंदर पैसे थे, उसको तो पता ही नहीं था 2000 के अंदर दिहाड़ी लगा ली है। चले जो मैंने कर्जा लिया था दुकान के लिए उस भाई को दे दूंगा कर्जा। आज शॉप बंद करके फिर जाते हैं जी उसको पैसे लेने के लिए। वालेकुम सलाम, क्या चाय पानी कारोबार ठीक है? मैं तो इसलिए आया था आपको पैसे मोड़ने के लिए, मैं कुछ पैसे नाफा होगा थोड़ा सा मुझे, मैं कुछ आपको पैसे दे दूँ जी। ठीक है, कोई मसला नहीं भाई, और हमारे लिए कम होगा। बस मेहरबानी होगी आपकी, आपने कर्जा मुझे मुश्किल वक्त में कर्जा लिया। कोई बात नहीं यार, कोई बात मैंने एक काम के लिए काम कर दिया। ये ले भैया आपके पैसे, आपने मेरी मदद की यार, मुझे पूरे वक्त में आप पैसे में देने आए। तो ये क्या मजाक है, तू अपनी फ्रेंडियों से बाहर नहीं आया, तू मुझे नकली पैसे देने आ गया? नहीं नहीं भाई, मैंने आपको असली पैसे दिए। ये नकली पैसे है यार, तू फ्रॉडबाजी लगा रहा है मेरे साथ। असल में भाई मसला क्या, दोपहर का ना कोक वाला आया था, ठीक है? उससे मैंने 2 पैट खरीदे, एक पैट में पैसे दिए वाले, मैं लालच में सारे पैकेट खरीद लिए, ठीक है? मुझे नहीं पता वो नोट उसमें नकली थे या असली थे, पर मैंने पैट के बदले उसको 2000 दिए। यार बात पैसों की नहीं है, तुम्हारे मन में लालच आया था ना? लालच जी आया ना, तो लालच बुरी बला होती है, लालच करने से कोई फायदा नहीं होता किसी इंसान का, ठीक है ना? आपके मन में अगर लालच आया ना तो ये बहुत गलत। जाओ, मैंने अल्लाह की रजा पे आपको आपका कर्जा माफ किया, और नेक्स्ट टाइम आपने कभी लालच नहीं करना, ठीक है? कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, लालच नहीं करना, वादा करो मैं। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखें, लालच बुरी बला है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लालच करने वाला कभी मुतमईन नहीं होता। अगर मैसेज पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करें।